एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जानेंगे इसकी मीनिंग और फीचर्स के बारे में कि क्या होता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड किन नेमों से और हम इसे बुलाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एग्जाम्स क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या होते हैं, तो कई सारे नेम्स इसको बुलाया जाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो में और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जानते हैं मीनिंग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो डेफिनेशन दी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक सामान्य तरह का नियम है, कानून है, नियम है, बनाया गया है जब कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जब अकाउंटिंग के काम करते हैं तो बार बार उन्हें इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी गई है, इसका मतलब ये होता है कि क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाए गए हैं अकाउंटिंग का काम करने के लिए। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज़ डेवलप्ड सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो भी प्रोफेशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था, लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है। इसमें कुछ निश्चित रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिनको फॉलो करते हुए जो भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग का काम किया जाता है उसमें समानता लाने के लिए और लगातार वो उन नियम्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि एक समान यूनिफॉर्मिटी बनी रहे उन जब भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है, कंसिस्टेंसी बनी रहे जब भी आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो इसलिए बनाया गया था क्या आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डेवलप किया गया था जब भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक है, दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड बाई वेरियस नेम सच एज कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, एग्जाम्स, अजम्पशंस, पोस्टुलेट्स, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स एट्सेट्रा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इन सभी नेमों से जानते हैं कि बहुत बार ये होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होता है। तो ये एक ही चीज़ है, इसके अलग अलग नेम है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, उसको दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग कन्वेंशन में डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया गया, अकाउंटिंग अजम्पशंस में डिवाइड कर दिया गया। तो इसके अपने अलग अलग इनको नेम दे दिए गए हैं। ओवरऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इस नेम से आप बुला सकते हैं। मैंने इन पर वीडियोज़ बना रखे हैं कि क्या है अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। पॉपुलर वीडियो में आपको इसका मिल जाएगा, वीडियो आसानी से देख सकते हैं। मैंने उन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आ गया क्योंकि बहुत अच्छा व्यू और कमेंट आते हैं। ये किसी ने कमेंट करके मुझे पूछा था कि मैम इन सभी में आप डिफरेंस बताइए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही इन नेमों से बुलाया जाता है। ठीक है, अलग अलग नेम है। कहते हैं एक इंसान के जैसे बहुत सारे नाम होता है, वैसे इस प्रिंसिपल को भी अलग अलग नेम से हम बुलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटर कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसको हम गैप प्रिंसिपल बोल सकते हैं। इस गैप प्रिंसिपल पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, 5-6 मिनट की वो वीडियो है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उस पर भी आप सभी का बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ में भी आएगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन शॉर्ट होता क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं कि जो भी आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेसेस हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डेली बेसिस पे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका हम किस तरह से लेखा जोखा रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो उनके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस बनाई गई थी जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे कि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं उनको फॉलो करना होता है आपको, सिर्फ मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मीन्स आपका बिजनेस रेगुलर चलना चाहिए, आपके रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होंगे, आप उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं, आपके जो अकाउंटिंग का काम है वो कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ठीक है, सो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और जो गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, ओवर ऑल जो भी पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इस प्रिंसिपल में ना चेंजेस भी किए जाते हैं। जैसे जैसे नए कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, अकाउंटेंट्स आते हैं, वो कुछ नया देखते हैं कि कुछ नए चेंजेस होने चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं प्रिंसिपल्स में चेंजेस। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके थोड़े फीचर्स के बारे में कि क्या होता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। सो नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कस्टम्स स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, तो जो भी आपका फीचर है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो फीचर हैं उसे बनाया गया है, उसे डेवलप किया गया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है लोगों ने, लोगों मीन्स जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है ये। जैसे जैसे वो उसको यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस करते जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस पे बेसिस है ये। इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज़ का क्या सोचना है, जैसे मैंने बताया कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसका अपना क्या मानना है, तो सर किसी का जो भी उनके अपने अलग अलग विचार रहे हैं, थॉट्स रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या फीचर्स आने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में किस तरह से उसका फीचर में बदलाव होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं। द नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिकम्स मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं उसके माध्यम से हम जानते हैं कि क्या फीचर्स होने चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। वो देख लो, फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना वो स्थिर नहीं रहता है। स्टैटिक मीन्स कि स्थिर नहीं है। ठीक है, वेरी करता है हर कंट्री वाइज भी, कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कंट्री वाइज भी चेंजेस हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड चेंजेस हो सकते हैं। जैसे गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें भी ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस किया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। जैसे आवश्यकता, हमें कहते हैं कि आवश्यकता हर चीज़ की जननी होती है, जब भी हम लगता है कि ये चेंजेस हो जाना चाहिए, इसमें कुछ एक चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो ऐड भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जैसा मैंने बताया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक सिद्धांत है जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया है। जो भी आप अकाउंटिंग का काम करेंगे उसमें आवश्यकता अनुसार जैसा भी लगता है कि किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है लोगों के द्वारा, या जो भी आपकी अकाउंटिंग बॉडीज़ होती हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो बनाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बना सकते हैं, आपका जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडियंस में भी, इंडिया में भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो वो भी बना सकती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, वो भी बदलाव कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर उन्हें लगता है बदलाव की ज़रूरत है, कुछ एक चीज़ें नए फीचर्स को ऐड करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जैसा मैंने बताया कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो सामान्य तौर पर पूरे देश या दुनिया में जो भी अकाउंटेंट हैं या जो काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का, उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आसानी से इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसमें क्या पॉइंट्स आ जाते हैं वो देख लेते हैं कि क्यों लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ठीक है ना, क्योंकि रीज़न होना चाहिए ना, एक्सेप्ट क्यों करेंगे। सो ऑब्जेक्टिविटी, बहुत सारे लोगों का अपना एक उद्देश्य होता है कि अगर हम अकाउंटिंग जो भी प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग का काम करते हैं तो हमारे हमें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि उनके पास एक अच्छा एविडेंस होगा, अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन है, पोजिशन है, उसके बारे में आसानी से वो जान सकते हैं। तो ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। रिलेवेंस की बात करें तो रिलेवेंसी होनी चाहिए, मीन्स प्रासंगिक होना चाहिए, कि जो भी जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह के उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि अगर उनका, क्योंकि हर तरह के बिजनेस के लिए हर तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिबिलिटी, कि वो आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह की अकाउंटिंग हुई है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट उसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड उसकी कॉस्ट क्या आई है, तो ये आसानी से उसको देख सकते हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये व्यवहारिक होती है, मीन्स इजीली आप इसको मतलब प्रैक्टिस में ला सकते हैं आसानी से, इन सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर और यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं सभी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, मुझे ये भी कमेंट में बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।